जानिए पद्मावत की 7 दिन में कितनी हुई कमाई। आज संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावत को रिलीज हुए 7 दिन हो गए हैं। 4 राज्यों में रिलीज नहीं होने के बावजूद भी यह मूवी देश दुनिया में धूम मचा रही है। यह फिल्म अब तक 143 करोड़ रुपए कमा चुकी है। वहीं 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने में अब अधिक समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह स्टार फिल्म पद्मावत ने मंगलवार को कुल 14 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म को सपोर्ट करते हुए सिनेमा घरों में इसे देखने के लिए दर्शकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म पद्मावत ने पेड प्रीव्यू के जरिए बुधवार को 5 करोड़, गुरुवार को 19 करोड़, शुक्रवार को 32 करोड़, शनिवार को 27 करोड़, रविवार को 31 करोड़ की कमाई की। फिल्म सोमवार को भी 15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाने में कामयाब रही और मंगलवार को 14 करोड़ रुपए की कुल कमाई को यदि जोड़ लिया जाए तो इसका अब तक का कुल बिजनेस 143 करोड़ रुपए हो गया है। लंबे वक्त तक विवादों में रही यह फिल्म सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिलीज की अनुमति मिलने के बाद ही देश भर में रिलीज की जा सकी है। आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली की यह फिल्म विवादों में फंसकर कड़े संघर्ष के साथ रिलीज हुई है। CBFC से सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में रिलीज नहीं किया गया। इससे फिल्म की जो कमाई होनी थी उस पर असर हुआ है। कोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दिए जाने के बाद भी 2 राज्यों ने पुनर्विचार याचिका डाली थी जिसे खारिज कर दिया गया था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।